फ्रेंड्स, हाउ आर यू? डायलेक्ट्रिक मटेरियल्स के क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं पर अच्छे क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इन अ मटेरियल इज एक्सप्रेस्ड एज डी इज इक्वल टू एप्साइलन ई प्लस डी डॉट एस, वेयर एप्साइलन इज द परमिटिविटी, ई इज द फील्ड, एस इज द स्ट्रेन एंड डी इज अ कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मटीरियल. सो विच इज दिस मटीरियल? मेटल, एंटी फेरो, सेमी कंडक्टर और पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल. देखिए, इस क्वेश्चन में ये जो आपका क्वेश्चन है, क्योंकि जहां भी स्ट्रेन होता है, वेयर देर इज अ स्ट्रेन, वहां पे आपका पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल प्ले रोल प्ले करता है. तो यहाँ पे क्योंकि आपने पढ़ा भी है कि जहां वहां स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज द चेंज इन इनिशियल लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, हो ना. सो बिकॉज द इक्वेशन इज डी इज इक्वल टू एप्साइलन ई प्लस डी डॉट एस, वेयर एस इज वॉट, इट इज स्ट्रेन एंड डी इज द कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मटीरियल. तो इस मटीरियल को हम पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल बोलेंगे. द ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, दिस इज योर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम सिलिकेट ग्लास इज 10 to the power 5 ओम मीटर, वेयर एज दैट ऑफ प्योर सिलिकेट ग्लास इज 10 to the power 17 ओम मीटर. दिस वास्ट डिफरेंस ऑफ 12 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. देखिए, इस क्वेश्चन में ये किसकी वजह से होगा? ये आपका है सोडियम सिलिकेट. सोडियम सिलिकेट की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो 10 to the power 5 ओम मीटर है, और जो प्योर सिलिकेट होता है विच इज एब्सोल्युटली प्योर, उसकी जो रेजिस्टिविटी है इट इज 10 to the power 17 ओम मीटर. तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 12 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, 5 प्लस 12 इज 17, तो ये जो वास्ट डिफरेंस है इट इज ड्यू टू लूजली बाउंड सोडियम आयन्स इन द सिलिकेट, इम्प्योरिटीज इन सिलिका, डिफरेंस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स और द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सिलिकेट. इसका जो वास्ट डिफरेंस आ रहा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इट इज ड्यू टू द इम्प्योरिटीज इन सिलिका. ये किसकी वजह से? इंप्योरिटीज इन सिलिका की वजह से है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द मटेरियल्स इज अ सिरेमिक मटेरियल? माइका, जिंक सल्फाइड, ZnS, एंटीमनी, Sn, कॉपर, Cu. कौन सा सिरेमिक मटेरियल होता है? ठीक है, तो ये आपका जिंक सल्फाइड जो है ये एक सिरेमिक मटेरियल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट वन द टाइप ऑफ कैपेसिटर विद लिस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, पेपर, माइका डायलेक्ट्रिक, सिरेमिक डायलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोलाइटिक. दिस इज वॉट? दिस इज योर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर एंड लिस्ट टू इज वॉट? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक. सो लो वॉल्यूम है, इनएक्सपेंसिव है, सुटेबल फॉर आर एफ बाईपास है और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है. तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा. देखिए, पेपर इनएक्सपेंसिव होता है, पेपर तो जनरली कॉस्टली होता नहीं है, तो इसका जो है टू ऑप्शन होगा. माइका डायलेक्ट्रिक जो है ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए यूज होता है, तो फोर्थ ऑप्शन होगा. फिर सिरेमिक डायलेक्ट्रिक जो होता है इट इज यूज फॉर आरएफ बाईपास, तो ये थ्री ऑप्शन होगा. और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है ये लो वॉल्यूम होता है फॉर लार्ज कैपेसिटेंस, तो इसीलिए इसका वन होगा. तो 2, 4, 3, 1 होगा. ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा. नेक्स्ट है, सिरेमिक इंसुलेटर्स अंडरगो अ ग्लेजिंग प्रोसेस टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन. वॉट इज द इफेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस? इट मेक्स द सर्फेस नॉन एब्जॉर्बेंट, इट मेक्स द सर्फेस रिफ्लेक्टिंग, इट मेक्स द सर्फेस कर्वेचर्स फ्री, और इट मेक्स द सर्फेस मॉइस्ट. सी, इस क्वेश्चन में क्या होता है, जो सिरेमिक इंसुलेटर्स हैं इनमें ग्लेजिंग प्रोसेस इसीलिए होता है ताकि इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन को ये रिड्यूस कर सके. तो इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट होता है आपका कि ये इसलिए होता है बिकॉज इट मेक्स द सर्फेस नॉन एब्जॉर्बेंट. जब सर्फेस बिल्कुल सर्फेस की टेंडेंसी होगी कि वो नॉन एब्जॉर्बेंट हो जाएगा, एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा. ठीक है, तो इसकी वजह से ये इफेक्ट होता है. जब हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी को खत्म कर देते हैं या रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो सिरेमिक इंसुलेटर्स तभी ग्लेजिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, तो इस इफेक्ट को हम सर्फेस नॉन एब्जॉर्बेंट बोलते हैं. ग्लेजिंग प्रोसेस क्या होता है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा एज ए होमवर्क. इट मेक्स द सर्फेस नॉन एब्जॉर्बेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट रूम टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड बेरियम टाइटेनेट इज फेरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल एग्जिबिट्स नो पोलराइजेशन बिकॉज देर आर नो डाइपोल्स इन द क्रिस्टल एट रूम टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड. देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं, ये दोनों स्टेटमेंट्स एक्चुअली फॉल्स हैं. बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. उसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है.
क्योंकि बेरियम टाइटेनेट जो होता है, ये एक फेरोइलेक्ट्रिक होता है, बी ए क्या होता है ये, BaTiO3 है ना, ये एक फेरोइलेक्ट्रिक होता है, ये तो सच है, इट इज अ फेरोइलेक्ट्रिक, ठीक है। इट एग्जिबिट्स स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन, नो पोलराइजेशन नहीं है इसमें, स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन होता है, अचानक से पोलराइजेशन होता है, ठीक है। और इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तभी होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन इसमें होता है। इट इज अ लार्ज नंबर, नो डाइपोल्स भी गलत है, क्योंकि इट पजेस लार्ज नंबर ऑफ परमानेंट डाइपोल्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ परमानेंट डाइपोल्स इसमें पाए जाते हैं, इवन इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। इसका जो क्यूरी पॉइंट होता है, इट्स क्यूरी पॉइंट इज अराउंड 361 डिग्री केल्विन, हेंस ये दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, ठीक है। डाइपोल्स भी होते हैं इसमें, और इसमें पोलराइजेशन भी होता है, वो भी स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th, अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैज द रियल पार्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज योर रियल पार्ट एंड इट्स लॉस टेंजेंट इज दिस मच, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय। सी, लॉस टेंजेंट जो होता है, ये आपने EMFT में भी पढ़ा होगा, दिस इज टैन डेल्टा इज इक्वल टू एप्साइलन आर डबल डैश बाय एप्साइलन आर डैश, ठीक है, यही होगा। तो इस केस में आप देखिए, हमारे पास रियल पार्ट कितना दिया है, इट इज 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.004 इज इक्वल टू, दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट एंड दिस इज 4, तो एप्साइलन आर डबल डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 0.004, दैट इज 0.016, यही होगा ना, 4 × 4 = 16, कायदे से तो ये इतना ही होना चाहिए, 0.016। अब हमारे पास जो एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, रियल पार्ट माइनस दिस इमेजिनरी पार्ट, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 4 − j 0.016, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, आपको पहले ये प्रोसेस पता होना चाहिए, जो कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि ये लॉस लॉस हम बोल रहे हैं, तो लॉस जनरली इस इमेजिनरी टर्म से आता है, तो यहाँ माइनस होगा, इसीलिए इसका बी ऑप्शन होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो पढ़ाने के ढंग, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, गुड बाय।